नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सुखराज मशीनरी कंपनी, नानक नाम मशीनरी कंपनी, अनमोल मशीनरी कंपनी एंड गुरकीरत मशीनरी कंपनी में स्वागत है। दोस्तों आपका स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो और नए बिजनेस आइडिया में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जिसको आप करके डेली से 10 से 15 हज़ार आसानी से कमा सकते हो। तो आप देख सकते हैं अभी हम अपने ऑफिस के बाहर खड़े हैं, फैक्ट्री के बाहर हैं। ये हमारा पीछे आप देख सकते हैं ऑफिस है और फैक्ट्री है। कोई भी अमृतसर में आए तो फैक्ट्री ऑफिस देख के आप विजिट कर सकते हैं। हमारी यहाँ पे खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो आप कभी भी अमृतसर आओ, फैक्ट्री विजिट करके ऑर्डर करो, नहीं तो अपनी जगह पे सिटी में बैठे ऑर्डर कर सकते हो। तो दोस्तों आज मैं भी आपको मशीन की वर्किंग वीडियो भी दिखाता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी दिखाता हूँ और मशीन्स भी दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों आ जाइए। दोस्तों आपके लिए बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हम डेली डेली न्यू न्यू बिजनेस आइडियाज़ लेकर आते रहते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जिससे आप प्रोडक्ट बना के, जो प्रोडक्ट डेली यूज़ में लगता है, हर दिन हर जगह कहीं भी देखोगे, होम में, रेस्टोरेंट, होटल, कहीं भी देखोगे ये प्रोडक्ट आपको हर जगह दिखेगा। इस बिजनेस का नाम है टिश्यू पेपर मेकिंग मशीन, जिसको नैपकिन भी बोलते हो, टिश्यू भी बोलते हो। जैसे आप देख सकते हैं फुली ऑटोमेटिक मशीन हैं। आज मैं आपको दिखाने लगा दो टाइप की मशीन हैं। ये सिंगल कलर सिंगल एम्बॉसिंग है, ये डबल कलर और डबल एम्बॉसिंग है। तो मैं आपको दोनों मशीन दिखाऊंगा और मशीन की सारी बताता हूँ कि क्या वर्किंग है, कैसे होती है। जैसे मैं अभी सबसे पहले इस मशीन की बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं सिंगल कलर वाली है और सिंगल एम्बॉसिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके रोल लगेगा, इसके यहाँ पे रोल लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है रोल, ऐसे इसमें रोल लगा हुआ है, वैसे इसमें यहाँ पे रोल लगेगा। इसमें यहाँ से रोल लग के यहाँ से जाएगा पेपर, और ये प्रिंटिंग यूनिट है ये वाला। इसमें आपने जो भी प्रिंटिंग करना है, जैसे आप नैपकिन के ऊपर अपना कोई नेम प्रिंट करना है, रेस्टोरेंट का, होटल का, कोई भी नेम प्रिंट करना है, तो आप इस पर अपना लोगो लगा सकते हो। नहीं तो अगर आपने कोई नैपकिन के ऊपर फ्लावर वाला डिज़ाइन प्रिंट करना है, कोई भी डिज़ाइन प्रिंट करना है, आप यहाँ पर डिज़ाइन लगाओ और कलर डालो तो वो ऑटोमेटिक प्रिंटिंग हो जाएगा। और आगे एम्बॉसिंग होता है, ये एम्बॉसिंग होता है, कोई भी डिज़ाइन आपके नैपकिन के पेपर के ऊपर देखोगे आप, एम्बॉसिंग होता है, तो वो एम्बॉसिंग यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे नैपकिन बन के पूरा रेडी होके यहाँ पे बनकर आपका बाहर आ जाएगा। इधर से यहाँ पे आपका नैपकिन बन के बाहर आ जाएगा। तो ये मशीन के साथ हम दो कटर देते हैं और पूरा टूल बॉक्स भी आता है मशीन के साथ, जैसे पड़ा हुआ है ये पूरा टूल बॉक्स भी आएगा। अभी मैं आपको डबल कलर और डबल एम्बॉसिंग मशीन दिखा देता हूँ। ये सिंगल प्रिंटिंग और सिंगल एम्बॉसिंग वाली आपने देख ली है, अभी मैं डबल प्रिंटिंग वाली दिखा देता हूँ। इसमें भी सेम प्रोसेस है। तो इसमें जैसे है ये आप देख सकते हैं ये रोल लगा हुआ है, जैसे उसमें रोल लगना है वैसे इसमें रोल लगेगा। और ये दो प्रिंटिंग के सेक्शन है, इसमें आप कोई भी दो डिज़ाइन भी चाहे नैपकिन के ऊपर डालने हैं, टू कलर प्रिंटिंग करनी है या कोई भी दो कलर की प्रिंटिंग करनी है, एक लोगो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, एक यहाँ पे लगा सकते हो। तो इस पर आप एक डिज़ाइन आप यहाँ पे लगा सकते हो, एक डिज़ाइन यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे दो कलर आपने नैपकिन के ऊपर प्रिंट करने हैं तो आप इस पे कर सकते हो, कोई भी डिज़ाइन करना है तो ये डबल प्रिंटिंग है। यहाँ पे इसमें इंक डलती है, एक ये ट्रे है और एक ये ट्रे है, तो ये दोनों अलग अलग प्रिंटिंग यूनिट है, तो आपने कोई भी कलर डबल कलर प्रिंटिंग कर सकते हो नैपकिन के ऊपर। तो बाद में एम्बॉसिंग आती है, जैसे उसमें एम्बॉसिंग का एक ही डिज़ाइन लगा होता है, इसमें दो डिज़ाइन लगे होंगे, एक ये देखो ये डिज़ाइन लगा हुआ है एम्बॉसिंग का और एक ये डिज़ाइन लगा हुआ है, तो वो सिंगल एम्बॉसिंग वाली थी, ये डबल एम्बॉसिंग मशीन है। तो ये देखो नैपकिन बस आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे नैपकिन आएगा, फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड होने के बाद ऐसे बनकर बाहर आ जाएगा। अब देख सकते हैं मैं आपको भी नैपकिन दिखाता हूँ, जैसे ये कटिंग हो गया पूरा, आप देख सकते हैं नैपकिन पूरा बन गया जैसे। तो इसको ये नैपकिन ऐसे बन जाता है, आपको भी वीडियो में दिखाऊंगा। जैसे ये नैपकिन आप देख सकते हैं बन गया, अभी आपने जितने बंडल का नैपकिन बनाना है यहाँ पे आप इसमें फीड कर सकते हो कि इतने पैकेट का, इतने पीसीस का मैंने नैपकिन का पैकेट बनाना है। जैसे 20 पीस का पैकेट होता है, 40 का होता है, 50 का होता है, 60 का होता है, वो आपके अकॉर्डिंग है आप कितने पीसीस, 100 पीसीस का करना है तो आप इस पर सेट कर दो। तो उसके बाद वहाँ पे एक नैपकिन ऊपर आ जाएगा इसके ऊपर, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, उसमें आप देखना नैपकिन सभी ऊपर होंगे जितने के सेट किया होगा, कितने पैकेट का बनाना है, तो वहाँ पर एक नैपकिन आ जाएगा ऊपर, वहाँ से उठा के आप बंडल में ऐसे पैक कर सकते हो। आप देख सकते हैं जैसे पैकिंग हुआ, कितना बढ़िया पैकिंग हुआ हुआ है। अब इसको उठाकर वहाँ से नैपकिन इसमें पैक कर सकते हो, मैं पैक करके भी दिखाता हूँ कैसे पैकिंग होता है। नैपकिन देखो आप कितना बढ़िया पैकिंग हुआ हुआ है। अभी ऐसे ऐसे इसकी पन्नी आती है, ये नैपकिन की पन्नी आती है,
ऐसे पन्नी आएगी। इसमें आपने बस यहाँ से नैपकिन उठाने, जितने भी आपने पैक करना है। देख सकते हैं ऐसे नैपकिन में पैक हो गया है, इसको अब बस यहाँ पे आप टेप लगाकर पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। ऐसे देख सकते हैं आप नैपकिन ऐसे पैक होके मार्केट में आप इसको बेच सकते हैं ऐसे डालकर। तो दोस्तों इसके भी रॉ मटेरियल के बारे में बात करते हैं। इसमें दो टाइप का रॉ मटेरियल आता है, एक हार्ड पेपर होता है, एक सॉफ्ट पेपर होता है। तो जैसे 15 GSM, 18 GSM, 20 GSM, जो सॉफ्ट होता है वो 15 में भी मिलता है, 15 GSM, 35 GSM तक भी मिलता है, किचन टॉवल बोलते हैं जिसको, वो भी ऐसे पेपर होता है, वो इसी मशीन में बनता है सारा। तो ये पेपर होता है वो कभी उसके प्राइस कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो आप मशीन भी हमारे से ले सकते हैं, हमारी सारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल भी हमारे से मिल जाएगा आपको। जो भी कस्टमर हमारे से मशीन लेगा उसको हम रॉ मटेरियल के बारे में भी सारी जानकारी देंगे, बिजनेस कैसे करना है सारी जानकारी देंगे। तो जहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा वहाँ के कंटेक्ट नंबर भी देंगे उनके नियरेस्ट सिटी के, और हमारे से भी रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड हो जाएगा। फुली ऑटोमेटिक मशीन है, मैं मशीन की वर्किंग वीडियो भी आपको दिखाता हूँ सारी, कैसे मशीन वर्क करती है, कैसे पैकिंग होती है, सारा मैं आपको मशीन में वीडियो में भी दिखाऊंगा सारा। फुली ऑटोमेटिक मशीन है, कोई लेबर नहीं ज़्यादा लगनी, बस रोल लगा देना है आपने तो ऑटोमेटिक नैपकिन बन के बाहर निकलता जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे हमारा मैनुफैक्चरिंग यूनिट है, पीछे सारी मशीन बन भी रही हैं, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं जैसे मशीन सारी बन रही हैं, ये पीछे और बन रही है नैपकिन वाली मशीन, आप देख सकते हैं। ये भी इधर फैब्रिकेशन एरिया है सारा, यहाँ पे मशीन फैब्रिकेशन होती है, अब देख सकते हैं सारी मशीन फैब्रिकेशन हो रही हैं। यहाँ पे पेंट एरिया है इधर, तो सभी मशीन मैन्युफैक्चरिंग जो भी है हमारी, सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी यहाँ की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो दोस्तों ये हमारी आप देख सकते हैं, दिखा दी मैंने आपको, सारी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ये हमारी अमृतसर में फैक्ट्री है, पंजाब में गोल्डन टेम्पल से 4-5 किलोमीटर दूरी पर ही है हमारी फैक्ट्री। आप अमृतसर आके फैक्ट्री विजिट करके भी ऑर्डर दे सकते हैं, नहीं तो आप अपनी सिटी में बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करो, मशीन आपको 1 वीक या 10 दिन में आपके होम डिलीवरी हो जाएगी घर पे। तो ये फुली ऑटोमेटिक बहुत इजी बिजनेस है। आप अगर मशीन खरीदना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं किसी भी टाइप का, डिस्पोजल आइटम के साथ हमारे पास और भी काफ़ी मशीन होती हैं, जैसे नैपकिन की है, टॉयलेट पेपर की है, पेपर कप की, पेपर प्लेट की, सभी टाइप की मशीन हमारे पास मिल जाती हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कॉल करके मशीन बुकिंग कर सकते हैं, और कोई भी बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए तो जानकारी भी ले सकते हैं। तो अब बस इजी प्रोसेस है, बस नैपकिन यहाँ से उठाना है आपने, उठा के इसमें ऐसे पैकेट में डालकर ऐसे, तो ऐसे पैक करके आप मार्केट में इसको सेल कर सकते हो। तो बहुत इजी प्रोसेस है, पर पैकेट के पीछे आपको 5 से 6 रुपये का प्रॉफिट पर पैकेट के पीछे आसानी से बच जाता है। जो मशीन की प्रोडक्शन होती है 2.5 लाख पीसीस पर डे की प्रोडक्शन है मशीन की, तो आप 2.5 लाख पीसीस 10 घंटे मशीन चला के आसानी से निकाल सकते हो। अगर ज़्यादा चलाओगे तो और ज़्यादा प्रोडक्शन आएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी पूरी मशीन में सारा काम मशीन में होता है। अगर ये ब्लेड लगा है, अगर आपने ब्लेड की भी तार लगानी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लगे हुए हैं ग्राइंडर, तो नीचे ग्राइंडर के साथ ही ब्लेड लगे लगाए को ही आप धार लगा सकते हो, ब्लेड आपको भी उतारना नहीं पड़ेगा, लगे पे ही आप धार लगा सकते हो उसकी। तो फुली ऑटोमेटिक मशीन है, कोई आपको ज़्यादा काम नहीं करना, बस रोल लगाओ नैपकिन बन के सारा बाहर आ जाएगा, कोई प्रिंटिंग करनी है कुछ करना है सारा कुछ मशीन में हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे मशीन में देखो रोल लगा हुआ है, ये रोल हमने मशीन के अंदर लगा दिया है, देख सकते हैं रोलर से होके जैसे जा रहा है, भी एम्बोसिंग होकर, कटिंग होकर, फोल्डिंग होकर कंप्लीट आपका नैपकिन बन के देखो अपने आप आ रहा है। तो फुली ऑटोमेटिक मशीन है, आपने कुछ काम नहीं करना ज़्यादा, बस रोल लगा दो, ऑटोमेटिक प्रिंटिंग भी हो जाएगा, एम्बोसिंग भी हो जाएगा, फोल्डिंग भी हो जाएगा और कटिंग भी हो जाएगा। आपको बस सिर्फ काम करना है तो पैकिंग का काम करना है। फुली ऑटोमेटिक मशीन है, कोई आदमी नहीं लगता ज़्यादा, एक ही आदमी से सारी मशीन ऑपरेट हो जाती है, बस पैकिंग के लिए आपको आदमी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे वीडियो में ऑटोमेटिक सारा बन के आ रहा है, या देखो काउंटिंग भी हो रही है इस पर सारा कंप्लीट कि कितने पेपर का, कितने पैकेट का आपको बनाना है नैपकिन, वो भी काउंटिंग साथ ही में हो रही है। तो कंप्लीट मिलकर फुली ऑटोमेटिक मशीन है, ये देख सकते हैं। अब ये प्रिंटिंग की ट्रेज हैं, ये रोलर लगा हुआ है, देखो ऑटोमेटिक घूम रहा है जैसे, आप देख सकते हैं फुली ऑटोमेटिक है, कोई देखो आदमी नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं करना, बस पैकिंग के लिए एक आदमी चाहिए आगे। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे फीचर भी, आप देख सकते हैं जैसे कटर की भी तार साथ ही में लग रही है, जो आगे ब्लेड नैपकिन को काट रहा है उसकी भी तार साथ ही में मशीन में ऑटोमेटिक लग रही है। तो ये मतलब कि फुली ऑटोमेटिक मशीन है, कोई लेबर नहीं लगती ज़्यादा। अभी आप देख सकते हैं जैसे
आपको वीडियो दिखाऊंगा। ऐसे देखो अभी नैपकिन अभी बन के अभी आएगी, बैंड सॉ की तरफ आएंगे वो कटिंग हो जाएंगे। इसमें आप देखो, आप जैसे नैपकिन बनेंगे तो जितने पे हमने सेट किया होगा वहाँ पे एक नैपकिन ऊपर आ जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे वो ऊपर आया हुआ है नैपकिन। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि जैसे थोड़ी से और निकल जाएंगे नैपकिन, तो मैं अभी आपको समझाता हूँ जैसे हमने कितने पीस पे, अगर 50 पैकेट पे सेट किया है, 60 पे सेट किया है, 70 पे सेट किया है, 100 पे किया है, जितने पे मर्जी आपने जितना पैकेट बनाना है उतना उस पर सेट कर दो। वो देखो नैपकिन बाद, कुछ नैपकिन बाद वहाँ से नैपकिन ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ये जितने पे आपने सेट किया होगा उतने पे वहाँ पे आपका एक एक नैपकिन ऊपर आता जाएगा। तो बस आपने वहाँ से बस पैकेट को उठाना है, वो ऑटोमेटिक बस आपको पैकेट को उठा के लिफाफे में डाल के उसको आप मार्केट में सेल कर सकते हो। आप देख सकते हैं जैसे जितने पे हमने सेट किया उतने उतने नैपकिन बाद, उतने उतने पीसीस बाद एक एक नैपकिन ऊपर आता जा रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जितने का आपने पैकेट, जितने पीसीस का पैकेट बनाना है उतना आप मशीन में सेटिंग कर दो, वो ऑटोमेटिक उतने पीसीस बाद वो एक एक नैपकिन ऊपर आता जाएगा। वहाँ से आप उठाओ और उसको पैक करके मार्केट में सेल कर सकते हो। जैसा भी आपने प्रिंटिंग करना है, लिफाफा आप अपनी मर्ज़ी का बनाना चाहते हो, जैसा चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप रोल लगा हुआ, ये भी ये सिंगल कलर वाली, सिंगल कलर सिंगल एम्बॉसिंग है। जिसकी पहले वीडियो दिखाई थी वो डबल कलर डबल एम्बॉसिंग है। तो फुली ऑटोमेटिक देख सकते हैं दोनों मशीन्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कितने पीसीज बाद नैपकिन एक एक ऊपर आ रहा है। तो बस वहाँ से आपको उठाकर पैकेट में डाल के आप मार्केट में इसको सेल कर सकते हो। तो ये दोनों मशीन्स की मैंने आपको वीडियो दिखा दी है, सिंगल कलर की भी दिखा दिया है और डबल कलर और डबल एम्बॉसिंग की भी दिखा दिया। जो दोनों मशीन्स थी दोनों की मैंने आपको वीडियो दिखा दिया है। फुली ऑटोमेटिक है, कोई लेबर नहीं लगी, आपने देख लिया जैसे। तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि अपनी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके।